तो दोस्तों हम बखड़ी और आप पूछ रहे होंगे कि आज मैं राजस्थानी स्टाइल में क्यों, क्योंकि देखिए मेरी तरफ है चारों तरफ छोटा सा रेगिस्तान और मैं आ चुका हूँ पुष्कर में। वीडियो की शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा राजस्थानी म्यूजिक, थोड़ा सा राजस्थानी टच होना चाहिए, थोड़ा सा राजस्थानी टच। Here we go. सो दोस्तों सफ़र की शुरुआत हुई दिल्ली की आईएसबीटी कश्मीरी गेट से। लगभग 8 घंटे के सफ़र के बाद हम सीधा पहुंच गए अजमेर। अजमेर से एक और बस लेकर हम पहुंच गए पुष्कर, जिस नगरी हमको आना था। तो अब करते हैं दिन की शुरुआत। हाय एवरीवन, माय नेम इज सूरज एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ट्रिप गाइड। दोस्तों ट्रिप गाइड इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं अगले कुछ दिन में पुष्कर को। पुष्कर मेला होता है 1 से 9 नवंबर तक के लिए, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ आपके लिए और पापी पेट के लिए भी, दोनों के लिए। तो पहला दिन है, शुरुआत करते हैं, दिखाते हैं आपको पुष्कर के आसपास क्या क्या चीज़ें हैं, पुष्कर किस लिए फेमस है और हमारी राजस्थानी सफ़र की शुरुआत होने वाली है। लेट्स गो। सो पुष्कर की सफ़र रेगिस्तान के जहाज़ के साथ, बस ऐसे ही कुछ शुरुआत होनी चाहिए हमेशा किसी भी सफ़र की। जो वहाँ का ट्रेडमार्क है, जो वहाँ की यू नो स्पेशल चीज़ है, उसी में सफ़र करना चाहिए। तो फाइनली हम सफ़र शुरू कर रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं पुष्कर मेला 2022। पुष्कर मेला हर साल लगता है नवंबर के महीने में 1 से 9 तारीख के बीच में, और ये मेला पुष्कर का सबसे बड़ा मेला है। राजस्थान के कोने कोने से आर्टिस्ट यहाँ पर आते हैं, अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। अजय रावज हिरन का नाम। किसी भी नई जगह पर आने के बाद में ना कुछ समय लगता है थोड़ा एडजस्ट होने के लिए, वहाँ के थोड़े कल्चर में घुलने मिलने के लिए थोड़ा समय लगता है। तो पहले दिन थोड़ा सा अप एंड डाउन सा रहता है, लेकिन अगले दिन थोड़ा सा पूरा उनके रंग में हम घुल जाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कहीं पहुँचते ही हमको कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं हमारे साथ कि हम एकदम उनके रंग में रंग जाते हैं। लेकिन आज थोड़ा सा हम क्योंकि ट्रैवल करके भी आए कल, तो थोड़ा सा हम रिलैक्स मोड में भी हैं, बट कल से थोड़ी एनर्जी भी हाई रहेगी, थोड़े हमको आइडियाज़ भी रहेंगे कि हमें कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है। जिस चीज़ के लिए पुष्कर फेमस था बेसिकली, कैटल ट्रेडिंग यहाँ पर होती थी, ऊँटों और घोड़ों का जो व्यापार था वो इस साल कम्प्लीटली कैंसिल हो चुकी है। पिछले 2-3 दिन से फिर भी कुछ लोग थे, आज है 4 तारीख और आज थोड़े भी कैटल ट्रेडर्स यहाँ पर नहीं है, पूरी तरीके से ऊँट यहाँ से जा चुके हैं। सो काफ़ी कुछ पैदल चलने के बाद में अब हम फाइनली जगह पहुँचे हैं। तो आप देखिए किस तरह का है रेगिस्तान वाली फीलिंग, पूरी पूरी चारों तरफ सुपर्ब, लेकिन धूप एकदम सर पे है तो ये थोड़ी टेंशन है। बस चलते हैं आगे। तो
दोस्तों, यही था पुष्कर में डे वन। और आज हमने ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं किया, बट फिर भी पुष्कर की कुछ चीज़ें देखी। बहुत ही सुंदर सनसेट देखा जो मैंने आपको दिखाया भी, बहुत ही मज़ा आया देख के। और कल के दिन में काफ़ी कुछ रहेगा जो यहाँ पे देखने वाली चीज़ें हैं। ब्रह्मा मंदिर हो गया, पुष्कर लेक हो गई, और भी सारी चीज़ें वो मैं आपको दिखाऊंगा। और तो पुष्कर का जो पूरे वीडियोस होने वाले हैं वो मोर ऑफ इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोस भी रहेंगे, और थोड़े बहुत आपको जगह भी दिखती रहेंगी, क्योंकि काफ़ी जगह पर तो कैमरा अलाउड ही नहीं है। बट स्टिल जो भी मिलेगा आपको हम दिखाते रहेंगे। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करता हूं। मैं होप करता हूं हमारा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके हमें जरूर बताएं कैसा लग रहा है आपको वीडियो। इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना, क्योंकि इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स आएंगे, इंस्टाग्राम पे रील्स मिलेंगी आपको, और यूट्यूब पे लॉन्ग वीडियोज़। तो ट्रिपल को ना भूलें, मेरा नाम है सूरज, सब्सक्राइब करके रखिए, बहुत सारी वीडियोज़ आती रहेंगी। और ये देखिए बैक साइड में सुपर्ब।